हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स एंड ब्लॉग में। तो आज हम बनाएंगे मात्र कच्चे आलू और सूजी का एकदम चटपटा क्रिस्पी नाश्ता। आप इस नाश्ते को बच्चे को टिफिन हो या कभी छोटा मोटा भूख लगे चाय के साथ झटपट इस नाश्ते को बना सकते हैं फ्रेंड। एकदम स्वादिष्ट चटपटा बनकर तैयार होता है। अगर घर में मेहमान आए तो भी आप इस नाश्ते को बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस नाश्ता को बनाने के लिए सबसे पहले हम दो आलू लिए हैं, इसको छील कर अच्छी तरह से धो लिए हैं। तो इस तरीके से कद्दूकस कर लेना है, आप देख सकते हैं पानी में कद्दूकस करना है ताकि आलू काला ना पड़े। तो चलिए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं, एक छोटा चम्मच तेल डाले हैं, 1 टीस्पून जीरा डाले हैं, 1 टीस्पून अजवाइन डाले हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आपको जितना सूजी का नाश्ता बनाना है उतना ही उस हिसाब से पानी डालना है। तो हम 1.5 कप सूजी का नाश्ता बनाएंगे फ्रेंड, तो हम उससे डबल 3 कटोरी पानी डाल रहे हैं। 1.5 कटोरी सूजी यूज करेंगे तो स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। एक चम्मच अदरक कद्दूकस करके डालेंगे, इससे अच्छे टेस्ट आएंगे हमारे नाश्ता में। एक चम्मच हरा धनिया डालेंगे कटा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्ची डालेंगे। आप चाहे तो लाल मिर्ची स्किप करके हरा मिर्ची भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें कद्दूकस किए हुए आलू को डाल देंगे, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से धोकर छान कर ले लिए हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से एक उबाल आने तक पकाएंगे, पानी अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पानी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें सूजी को डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं 1.5 कटोरी सूजी यूज किए हैं हम। 1.5 कटोरी सूजी में 3 कटोरी पानी डालना है फ्रेंड, तभी आपका डो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो चलाते हुए पकाना है, जैसे सूजी को हलवा को पकाते रहते हैं तो चलाते हैं, नहीं तो ये गुठलियाँ हो जाता है। तो चलाते हुए पकाना है एकदम डो फॉर्म में आने तक। तो आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी ही पक कर तैयार हो जाता है, डो फॉर्म में आने लग गया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट में ये डो फॉर्म में आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस को फ्लेम को बंद कर दिए हैं, इसे नीचे उतार कर ठंडा होने देंगे। तो एक बर्तन में ले लिए हैं, तो थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से मसल लेना है ताकि जो भी गुठलियाँ अगर छोटा मोटा होगा तो वो ठीक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। तो हाथों में ऑयल लगा लेना है इस तरीके से और पेड़े के जैसा बना लेना है, इस तरीके से टिक्की बना लेना है, जैसे आलू का टिक्की बनता है उसी तरीके से शेप दे देना है, आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं एक और बनाकर दिखा देते हैं, हाथ में ऑयल लगाकर करना है ताकि हाथ में चिपके ना, बिल्कुल भी हाथ में चिपकता नहीं है फ्रेंड ये सूजी का नाश्ता। अब देख सकते हैं कितने अच्छे शेप आ गया है। तो हम सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिए हैं, तो चलिए गैस की ओर चलते हैं। तेल को गरम कर लिए हैं, तेल को अच्छी तरह से गरम होने के बाद ही डालना है, हाई फ्लेम में तलना है ताकि हमारे नाश्ता एक्स्ट्रा ऑयल ना सोखे। तो डालते ही तुरंत नहीं पलटना है, 2 मिनट सिकने के बाद पलट देना है आराम आराम से कलछी की सहायता से, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये नाश्ता बहुत जल्दी ही तल कर तैयार हो जाता है फ्रेंड, बहुत जल्दी 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन हो जाता है दोनों साइड से, आप देख सकते हैं। तो हमारे नाश्ता
4 से 5 मिनट के अंदर में अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। एकदम स्वादिष्ट क्रिस्पी डिलीशियस नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो आपको निकाल लेना है, फिर से बचे हुए नाश्ते को डाल लेना है। एकदम गैस के फ्लेम को हाई ही रखना है, तो इससे क्या होगा कि हमारे नाश्ते में एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रहेगा फ्रेंड, बिल्कुल भी ऑयल इसमें नहीं रहता है। तो इसको भी अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिए हैं। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेना है। अगर आपके पास टिश्यू पेपर हो तो आप उसमें भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म सूजी और कच्चे आलू का नाश्ता। वाओ, आप देख सकते हैं फ्रेंड कितना डिलीशियस हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस नाश्ते को चाय के साथ या बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बच्चे एकदम टिफ़िन चट करके आएंगे, बहुत खुश होकर खाएंगे। बच्चे हर रोज़ एक ही नाश्ता खा खा कर बच्चे बोर हो जाते हैं फ्रेंड। तो आप अलग अलग इस तरीके से रेसिपी बनाकर दे सकते हैं बच्चों को टिफ़िन में। तो चलिए आपको नाश्ता तोड़कर दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड कितना क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड कि आपको ये सूजी और कच्चे आलू का नाश्ता पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।